Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Varsha and again I'm here with my new YouTube video. So as you know, nowadays I started English song translation series. So I really hope this video gonna help you a lot. So आज से मैं क्या करूँगी, मैं एक song लूँगी, उसका translation हिंदी में करूँगी, जिससे कि आपको क्या होगा, किसी भी song को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और English सीखने में हमारे लिए जैसे बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं उस वर्ड को, जैसे एक चमत्कार हो जाएगा. ओके, बिकॉज व्हाट हैपेंड लाइक वेन एवर वी आर बिगनर एंड एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, पीपल स्टार्टेड टू सेइंग यू जस्ट लिसन सम सॉन्ग, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लर्न दिस लैंग्वेज. ओके, बिकॉज आई नो एंड यू ऑल्सो नो वी आर सो फैशिनेटेड अबाउट सॉन्ग्स एंड वी लर्न वेरी क्विकली इफ वी लिसन. ओके, बट हियर इज सम प्रॉब्लम. व्हाट प्रॉब्लम, वी डोंट नो like we are listening songs but we don't know what that song is saying to us. So I gonna do this thing. So hope this video gonna marvelous and hope you gonna watch this video till the end. And if you like my video, so please don't forget to share, comment and subscribe my channel. Here we go. So yahan par ye jo likha hai na, o means ek prakar ka music hai. Okay, next is, you know you love me, I know you care, just shout whenever and I'll be there means तुम जानती हो तुम मुझसे प्यार करती हो and I know you care तो मेरी केयर भी करती हो, just shout whenever सिर्फ एक बार चिल्ला देना and I'll be there मैं वहाँ पर हूँगा. You are my love, you are my heart, तुम मेरा प्यार हो तुम मेरा दिल हो and we will never ever be apart, हम कभी भी जुदा नहीं होंगे. हमें सिर्फ लगता है कि इंग्लिश सॉन्ग टफ होते हैं बट ऐसा होता नहीं, सिर्फ हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है. आप सभी लोग देख रहे हो ना, इंग्लिश सॉन्ग समझना कितना इजी होता है. सो हियर इज नेक्स्ट, आर वी एन आइटम, क्या हम कपल हैं. गर्ल क्विट प्लेइंग, गर्ल्स खेलना छोड़ दो. वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम सिर्फ फ्रेंड हैं. व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रही हो. सो यहाँ पर इन्होंने कहा है फिर आगे, सैड देयर इज़ अनदर, सैड का मतलब होता है कहना. ओके, कि यहाँ पर कोई और है. लुक राइट इन माई आइज, मेरी आँखों में देखो. माई फर्स्ट लव ब्रोक्स माई हार्ट फॉर देयर फर्स्ट टाइम, मेरे पहले प्यार ने मेरा दिल तोड़ दिया, वो भी पहली बार. एंड आई वॉज लाइक, इसका मतलब वो वहाँ पर ये एक रिएक्शन दे रहे हैं लाइक. एंड आई वॉज लाइक जैसे कि मैंने एक स्नैक देखा और वहाँ पर जस्ट आई वॉज लाइक, जैसे मैं वहाँ पर ठहर गई यू नो. सो यहाँ पर उन्होंने फिर एक म्यूज़िक डाल दिया है, बेबी 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 ओ लाइक, बेबी 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 नो लाइक, बेबी 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 ओ थॉट यू वुड ऑलवेज बी माइन माइन, मैंने सोचा था तुम हमेशा मेरी ही रहोगी. ओके, ओ फॉर यू आई वुड डन वट एवर, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर दिया होता. एंड आई जस्ट कांट बिलीव वी एंड टुगेदर, मुझे यकीन नहीं होता कि हम साथ नहीं हैं. एंड का मतलब होता है ये एक प्रकार का स्लैंग है. ओके, जैसे आर नॉट आई एम नॉट लाइक दिस. एंड I wanna play it cool, but I'm losing you. मैं इसे बहुत cool तरीके से चलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खो रहा हूँ. I'll buy you anything, मैं तुम्हें कुछ भी खरीद कर दे सकता हूँ. I'll buy you any ring, मैं तुम्हारे लिए कोई भी ring खरीद दूँगा. And I'm in pieces, baby fix me, मैं एकदम टूट चुका हूँ, बेबी मुझे जोड़ दो. एंड जस्ट शेक मी टिल यू वेक मी फ्रॉम दिस बैड ड्रीम, मुझे तब तक हिलाओ जब तक मैं इस बैड सपने से जग ना जाऊँ. नेक्स्ट इज, आई एम गोइंग डाउन डाउन डाउन, अब मैं हार रहा हूँ. एंड आई जस्ट कांट बिलीव माई फर्स्ट लव वॉन्ट बी अराउंड, मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा पहला प्यार अब मेरे साथ नहीं होगा.
सो जो इंग्लिश गाने होते हैं ना, हम उसको ए टू जेड ट्रांसलेट नहीं कर सकते इनमें, क्योंकि फीलिंग्स होती हैं. ओके, ट्रांसलेशन नहीं होता, फीलिंग होती है, तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ती है. सो नेक्स्ट इज आई एम जस्ट लाइक बेबी बेबी ओ, लाइक बेबी 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 नो, लाइक बेबी 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 ओ, थॉट यू वुड ऑलवेज बी माइन माइन, मैंने सोचा था तुम हमेशा मेरी रहोगी. सो ये जो बार बार बेबी बेबी ये कह रहा है ना, ये एक प्रकार का म्यूज़िक है जो गाने को और भी सुंदर और ब्यूटीफुल बनाता है. सो नेक्स्ट इज लूडा, व्हेन आई वाज 13 आई हैड माय फर्स्ट लव. लूडा एक जो रैपर है जिसने ये गाया है यहाँ पर से, उसका नाम उन्होंने दे दिया है. ओके, जब मैं 13 साल का था उस वक्त मुझे पहला प्यार हुआ. देयर वॉज नो बडी दैट कम्पेयर टू माई बेबी, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी बेबी का मुकाबला कर सके. एंड नो बडी कम बिटवीन अस, और कोई भी हमारे बीच नहीं आया था. और कुड एवर कम अबव, और कोई भी हमसे ऊपर भी नहीं गया था. सी हैड मी गोइंग क्रेजी, उसने मुझे दीवाना पागल बना दिया था. ओ आई वॉज स्टार स्टक, स्टार स्टक का मीन्स होता है आकर्षित हो जाना. शी वॉक मी अप डेली, वो रोज मुझे उठाती थी. डोंट नीड नो स्टारबक्स, अब किसी भी कॉफ़ी की मुझे ज़रूरत नहीं थी. स्टारबक्स एक कॉफ़ी का नाम है. सो नेक्स्ट यहाँ पर लूडा कहता है शी मेक माई हार्ट पाउंड, वो मेरा दिल जोर से धड़का देती है. एंड स्किप अ बीट व्हेन आई सी हर इन द स्ट्रीट, और मेरी धड़कने तेज हो जाती हैं जब मैं उसे गली में देखता हूँ. एंड एट स्कूल, और स्कूल में ऑन द प्ले ग्राउंड, और जो होता है ना प्ले ग्राउंड में देखता हूँ तो. बट आई रियली वॉन्ट सी हर ऑन द वीकेंड, लेकिन मैं उसे सचमुच वीकेंड में देखना चाहता हूँ. नेक्स्ट वो कहते हैं शी नो शी गॉट मी डेजी, वो जानती है कि उसने मुझे डेजी बना दिया. अब यहाँ पर डेजी का मतलब क्या है? डेजी का मतलब है सुदबुद खो बैठना. जब देखा होगा ना कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो वो अपनी सुदबुद खो जाता है, पागल हो जाता है. लाइक बिकॉज शी वॉज सो अमेजिंग, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन थी. अमेजिंग मीन्स अच्छी और बेहतरीन. ओके, एंड नाउ माई हार्ट इज़ ब्रेकिंग, और अब मेरा दिल टूट रहा है. बट आई जस्ट कीप ऑन सेइंग, बट अब मैं बस यही कहता रहता हूँ. अब यहाँ पर फिर म्यूजिक डाला गया, बेबी 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 ओ, लाइक बेबी 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 नो, लाइक बेबी 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 ओ, थॉट यू वुड ऑलवेज बी माइन माइन, मैं सोचा था तुम हमेशा मेरी रहोगी. सो अब ये कह रहा है नाउ आई एम गोन या ऑल आई एम गोन या ये सब एक सिर्फ सॉन्ग है. ओके, सो नाउ आई एम गोन मीन्स होता है अब तो मैं गया. ऑल आई एम गोन, अब तो मैं पूरे से ही गया. ओके, सो ये काइंड का म्यूजिक यहाँ पर डाला गया है, सिर्फ बीट्स डाली गई हैं जिससे वो सॉन्ग और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है. मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा. अगर आप ऐसी मोर वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ फ्रेंड कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू.